नमस्कार, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम लोग चलते हैं भाजपा के कार्यक्रम में, जहाँ पे पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत राशन का झोला वितरण किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं। Oh yeah.
इसके बाद सतरंग जी से आग्रह है कि अपने प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय नितिन तिवारी जी का अनुभव को लेकर सम्मान करें। अपने जिलाध्यक्ष से आग्रह है कि प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मिश्र तिवारी जी का अभिनंदन करें। शोभा जी से आग्रह है कि वह अपने जिला प्रभारी श्री सीताराम पांडे जी को अनुभव प्रकोप लेकर सम्मानित करें। शोभा जी बख्तियारपुर के पूर्व विधायक माननीय रणविजय सिंह जी का अभिनंदन करते हैं। छोटू सिंह जी से आग्रह है कि वे अपने प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय संतोष पाठक जी का पुष्पगुच्छ और अनुवाद करके जिला महिला मोर्चा की अध्यक्षा किरण अपने माननीय जिला प्रभारी जी का कुछ लेकर के सम्मान करेंगे। विष्णु नारायण चौधरी के साथ चंद्र भैया करेंगे। अब सम्मान समारोह का कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय सत्येंद्र जी से आग्रह है कि वो फतुआ युवा मोर्चा की ओर से जो हमारे साथी उपस्थित हैं वो अपने अतिथियों का स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। अभिषेक झा मुन्ना सिंह जी नेता के ही परेशान है, हम सब कुछ बनाइए फोटो भी चाहिए आगे बढ़ जाइए। एक बार मैं उठाऊ तो क्या बार बार बोलो अब अभिनंदन कार्यक्रम तो इन पर समाप्त किया जाता है। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय सांसद बस्ती लोकसभा सब प्रदेश प्रभारी
प्रधान प्रवक्ता श्री हरीश द्विवेदी जी, पूर्व विधायक बैकुंठपुर एवं क्षेत्रीय प्रभारी सह तथा पटना महानगर के पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीदेव सिंह सीताराम पांडे जी, भारत संगठन जिला के सभी मंडल अध्यक्षों, मंच मोर्चा के अध्यक्षों एवं आज के इस सभा में उपस्थित आज में पार्टी के कार्यकर्ता गण, मैं अपनी ओर से सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आपका वंदन और अभिनंदन करता हूँ। भथुआ के इस ऐतिहासिक धरती पर पहली बार पधारे हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय हरीश द्विवेदी जी का कोटि कोटि स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज में भथुआ के पावन मुक्ति जहाँ त्रिवेणी संगम है, माँ गंगा और कुनकुन नदी का मिलन स्थल है, यहाँ कबीर मठ जहाँ कबीर दास और गुरु नानक देव जी के पास स्थल रहा है, उस भूमि से आपका अभिनंदन करते हैं। आपने आने का मुझे इतनी खुशी हुआ कि मैं पूरे नहीं समा रहा हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में आपका स्वागत करूँ। पर हमारे यहाँ परंपरा है अतिथि देवो भव एवं अतिथि कुटुंब का भूल है, हमारे लिए अतिथि देव समान है। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत पहला विक्रम कार्यक्रम के शुभारंभ में प्रदेश का प्रभारी आगमन सकारात्मक सपोर्ट में हुआ है और इस कारण का संदेश पूरे बिहार में जाएगा, पूरे बिहार में, पूरे देश में जाएगा। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के द्वारा मई माह से सभी गरीब लोगों को निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है, जो कि हमारी केंद्र सरकार की सराहनीय पहल है। अंत में मैं अपने स्वागत भाषण का इतना करके समाप्त करता हूँ। मैं 185 फतवा विधानसभा का आयुष्मान बतौर भाजपा प्रत्याशी था, लेकिन प्रस्तुति काल और समय चक्र के अनुसार मैं चुनाव 67,000 वोट लाने के बाद भी मैं चुनाव हार गया। हमारा मानना है कि यहाँ पर 2,70,000 जो हमारे समर्थक हैं, सारे हमारे समर्थक हैं, उनका हर समय हमको इसमें प्यार मिलते रहा है और भविष्य में भी आशा करते हैं कि मिलेगा। इसी सावन के इस पावन हर हर महीना में हर हर महादेव का जयघोष के साथ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की प्रतिबद्धता दोहराते हुए अपने बावे को समाप्त। धन्यवाद आदरणीय सत्येंद्र जी। अब मैं अपने बाल जिला के यशस्वी जिला अध्यक्ष डॉक्टर सियाराम सिंह से आग्रह करते हैं कि वे आए और आज का जो कार्यक्रम है इसका विषय पर पेश कराएं। आज भारत संगठन जिला के इस भथुआ विधानसभा के अंतर्गत इस नगर मंडल में आज हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, गरीबों का जो अनाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं आप जानते हैं कि कोविड वैश्विक महामारी में इस तरह से हमारे दूसरे लहर में हमारे भाई बंधु जो कोरोना से आक्रांत हुए, उसमें हम लोग का जो एक दूसरा कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान के तहत बाल संगठन जिला के जो 900 मंडल है वहाँ के सारे कार्यकर्ता अपने भाजपा के सदस्य के साथ आए हैं, उसमें एक महिला भी है, एक चिकित्सक भी है और जो उनका टीम और भी मेंबर है वो आए हैं। उसका हम लोग गरीब कल्याण अन्न योजना के बाद ये कार्यक्रम हम लोग करेंगे क्या बताएं। और आज के इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के हमारे मुख्य अतिथि बिहार प्रदेश भाजपा के सब प्रभारी आदरणीय हरीश द्विवेदी जी को मैं भारत संगठन जिला भाजपा की ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। इस भथुआ के त्रिवेणी संगम पर हमारे बीच मंच पर विराजमान है हमारे भारत हमारे क्षेत्रीय प्रभारी जो हमारे पटना जिला के तीनों जिला को संगठन जिला को देख रहे हैं, अभिभावक हैं,
हमारे बैकुंठपुर के वर्तमान विधायक और प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय मुकेश तिवारी सर, हमारे बीच प्रभारी आदरणीय सीताराम पांडे जी, हमारे बगल में ही विधानसभा प्रत्याशी विधानसभा जिसमें इन्होंने गए और काफी जज्बे के साथ लड़ने वाले विधायक हमारे आदरणीय रणविजय सिंह को लड़ने किया गया है। और इसी फतुआ विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी के रूप में हमारे चुनाव लड़े आदरणीय सत्येंद्र बाबू, हमारे बीच मंच पर विराजमान है कला संस्कृति मंच के जो अध्यक्ष है वो भी फतुआ विधानसभा से बिलोंग करते हैं, ऐसे वरुण जी हैं। और हमारे बीच जो विराजमान है, जो कल हमारे प्रदेश की तरफ से घोषणा हुई कि प्रदेश प्रवक्ता के रूप में ऐसे युवा यशस्वी पेश कर रहा नेता आदरणीय संतोष पाठक जी, हमारे बीच मंच पर विराजमान महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष किरण गुप्ता जी हैं, महामंत्री जी लोग महामंत्री हमारे आज कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, प्रमोद जी, अरविंद जी, उमेश जी और मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और हमारे अभिभावक कुल विष्णु नारायण चौबे जी, यहाँ प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी हमारे बीच मौजूद है, भूपेश जी हैं हमारे बीच, उमर विजय पासवान जी हैं हमारे बीच, धर्मवीर जी हैं एवं तमाम जो हमारे उमेशो मंडल से जो भाजपा टीम और हमारे जो लागू कार्यक्रम है ये हमारे चारों विधानसभा में कार्यक्रम होना है। और आज हम लोग का सौभाग्य जो फतुआ विधानसभा में आज के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और इस प्रधानमंत्री जी का जो सपना गरीब कल्याण अन्न योजना जो नवंबर तक प्रत्येक लाभुकों को जो सरकार के माध्यम से नवंबर तक जो 5 किलो की राशि प्रत्येक व्यक्ति मिल रहा है, उसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी जो स्वतंत्र बाबू अपने माध्यम से उन्होंने हमें बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में उन्होंने खुद लिया कि फतुआ विधानसभा योजना के बारे में हम लोग बिहार के सरप्रभारी हरीश द्विवेदी जी आपके बीच बताने के लिए आप शुभारंभ करने के लिए बसते थे, उनके साथ हम लोग के भी प्रभारी हैं, हम लोग के बड़े भाई हैं, 2015 हमारे साथ विधानसभा विधायक भी रहे हैं और इन्होंने जनता के लिए जोरदार आवाज उठाए हैं। आपके बीच मिथिलेश तिवारी जी आपके जो दुख में अगर कहीं कोई कोरोना महामारी जब आया था तो कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा था, लेकिन पूरे संगठन के माध्यम से इन्होंने पहली के माध्यम से कोरोना से भी जो हम मरीजों का इलाज करने का काम किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहते आपके बीच उपस्थित है सीताराम पांडे जी उपस्थित है जो हम लोगों के प्रभारी भी हैं, पूर्व में पटना का नगर का अध्यक्ष भी रहे हैं, हम लोग के बीच उपस्थित थे। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ देश में, पहले जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह, क्या भाषण करते थे, देश का क्या संबोधन करते थे। इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहने बैठी हैं और आपको पता है कि कितना जोरदार आवाज लगाइएगा उतना ही बढ़िया मिठाई सतेंद्र बाबू आपको खिलाने वाले। बोलिए भारत माता की। आज भारतीय जनता पार्टी बाढ़ जिला संगठन के तत्वावधान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के शुभारंभ और कोविड की तीसरी जो संभावित लहर है उससे लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने स्वयंसेवक लड़ाके तैयार किए हैं उनके प्रशिक्षण के इस महान कार्यक्रम में की अध्यक्षता कर रहे हमारे बाढ़ जिला भाजपा संगठन के यशस्वी अध्यक्ष, पेशे से बड़े चिकित्सक और भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता डॉक्टर सियाराम सिंह जी, मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से दूसरी बार लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के कैबिनेट में राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व के ऊपर हमारे बगल में सत्येंद्र बाबू चेहरा मिलकर चमकदार है। जब भी हम लोग फतुहा में कोई कार्यक्रम जाते हैं तो उसकी चमक और ये बढ़ा देते हैं और विधायक तो नहीं हो पाए लेकिन अवश्य पानी विधायक के रूप में एक काम यहाँ कर रहे हैं, मैं इनको भी बहुत शुभकामना दे रहा हूँ।
हमारे कई ऐसे बिहार में विधायक हैं जो हमारे लल्लू मुखिया जी के आधा वोट लेकर के विधायक बन गए, लेकिन हमको लगता है कि जो 1 लाख से कितना कम रह गया था मुखिया जी, 72,000 वोट पा करके भी, और इस बार हमारे लोकप्रिय विधायक बख्तियारपुर से लल्लू मुखिया जी नहीं जा पाए विधानसभा, इसका हम सभी को मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और इस क्षेत्र के प्रभारी श्रीमान मिथिलेश तिवारी जी, पार्टी के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष डॉक्टर सियाराम सिंह जी, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक सत्येंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक रणविजय सिंह जी, इस जिले के प्रभारी पटना के पूर्व जिला अध्यक्ष सीताराम पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश शांति बनाए तभी हम बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, अपना विचार दें कमेंट में और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।